ये कहाँ लगा इसका क्लिप का है छोटे छोटे लेकिन देखो ये बात बोल रहा है टाइस में नहीं पड़ा वो नहीं ऐसे ही है लिखो काले लिख लिया था लास्ट क्लास में बोलो कहाँ तक कर लिया था लास्ट क्लास में हाँ हाँ एल्केन का मैंने दो क्वेश्चन दिए थे सबने सॉल्व कर लिए पक्का श्योर हो गया कोई डाउट है किसी को उसमें नहीं है ना चलो हाँ बोलो नाम वो नाम बोल तू अपना मतलब IUPAC बोल 5-ethanol कौन सा बोल रही है बच्चा सेकंड लास्ट उसमें आप लोगों ने गलती किया है ना 3-methanol सुनो 5-ethanol 5-ethanol 6-ethyl 3-methanol 9 हाँ 9 1-4-7 ट्राइइन ये नाम है मिथिनाइल वाला समझ में आ गया था पूछ लेना डाउट में अब देखो अगला लिखो ये सारा हो गया तुम्हारा लिखो अगला नेक्स्ट लिखोगे फाइंड द नंबर ऑफ एलाइलिक AL ठीक है लिखो लिख देता हूँ स्पेलिंग फाइंड द नंबर ऑफ एलाइलिक एंड विनाइलिक कार्बन एटम Find the number of allylic and vinylic carbon atom. Find the number of allylic and vinylic carbon atom. अब allylic क्या होता है vinylic क्या होता है समझना बात को ध्यान से दरवाजा बंद करने से नहीं दिखा देगा दिख रहा है अब दिख रहा है अब मुझे थोड़ी ना पता है कि कितना ब्राइटनेस रखना है कितना वो रखना है आप समझ रहे देख अब देख के आप देख के बोल आवाज़ नहीं बेटा तुम लोग बातें मत करो नहीं तो मैं मार दूंगा तुम लोगों को नहीं दिख रहा अब अब दिख रहा है देख हाँ चल अब दिख रहा है अब बोल तू बोल के तुझे बेटा ब्लर दिख रहा है अच्छा तो यहाँ पर है ना भालेकर काका हाँ हाँ भालेकर काका को बुला के लेके मैं स्टार्ट नहीं करा जल्दी जाए जल्दी उनको बोल के नहीं दिख रहा है जल्दी जा भाग भाग फटाफट फास्ट Yes.
चार पाँच छः सात आठ नौ कंपाउंड गलत लिखा आपने। विनाइलिक होगा, ये विनाइलिक होगा,
और इसके एडजेसेंट कार्बन एटम इज कॉल्ड, तो ये अलाइलिक होगा, ये अलाइलिक होगा, ये अलाइलिक होगा, तो कितने हो गए टोटल बताओ? थ्री आपके अलाइलिक कार्बन एटम, टू आपके विनाइलिक कार्बन एटम। बात समझ में आया? अब इसमें बोलो आपको, देखो सामने बोलो फटाफट फटाफट स्पीड से बोलो, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, तो अलाइलिक क्या होगा? तो यहाँ पर कितने विनाइलिक, अलाइलिक कितने, ये वाला बताओ, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये भी विनाइलिक, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम इज कॉल्ड विनाइलिक कार्बन एटम एंड एडजेसेंट कार्बन एटम ऑफ विनाइलिक कार्बन इज कॉल्ड अलाइलिक कार्बन। बस सिंपल डेफिनेशन, वेरी इजी क्वेश्चन। अब बताओ क्या होगा, कितने विनाइलिक हो गए और कितने अलाइलिक हो गए? टू हो गए। समझ में आ गया? एक क्वेश्चन और इसी में ही समझना है, इसी में समझना है। देखो इधर, हाँ, अगर मैंने बोल दिया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH CH3 CH2, अब बताओ इसमें अलैलिक और विनाइलिक, जल्दी बताओ इसमें अलैलिक और विनाइलिक बताओ, कितने विनाइलिक, कैसे निकालोगे? ये वाला क्या होगा विनाइलिक, ये वाला क्या होगा विनाइलिक, ये वाला विनाइलिक, ये वाला विनाइलिक, यहाँ पर मैं CH कर लूँ, ठीक है, ये सारे हो जाएंगे आपके विनाइलिक। तो विनाइलिक कार्बन एटम कितने हो गए? चार। तो अलाइलिक कौन कौन सा होंगे? ये वाला कौन सा होगा? बुद्धू हो, एडजेसेंट कार्बन एटम ऑफ विनाइलिक कार्बन इज कॉल्ड अलाइलिक कार्बन, नॉट ये वाला कहाँ से होगा बेटा? क्या ये एडजेसेंट है? ये वाला अलाइलिक होगा, ये वाला क्या होगा? ये वाला भी अलाइलिक होगा। क्यों अलाइलिक होगा बोलो? डेफिनेशन में क्या लिखा है? एडजेसेंट ना। और ये बता एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? बस जस्ट बगल वाला। क्या होता है मतलब? जस्ट बगल वाला। ऐसा थोड़ी ना होता है कि तीन चार घर दूर वाला भी तुम्हारा एडजेसेंट होता है ना, तीन चार घर। अरे ये तो होता अल्टरनेट, ये इसके अल्टरनेट होता, तो इसको क्या बोलेंगे? अलाइलिक। क्या ये अलाइलिक होगा बेटा? सामने देख, पागल है क्या तू? क्या लिख रहा है? जब समझा रहा हूं तब लिख रहा है, जब लिखने को बोलूंगा तब देखेगा सबकी शक्ल। बातों को ध्यान से समझ, जब समझा रहा हूं तो फोकस यही होना चाहिए। ये वाला क्या होगा बोलो? अलाइलिक होगा ना? हाँ या ना? क्यों? वेरी गुड। ये वाला क्या होगा? और ये वाला क्या होगा? अब समझ में आ गया खेल? इन सब में तो तुमको इजीली देखने को मिला था, इसमें ऐसा कंडीशन नहीं था। समझ में आ गया पक्का? अब ये चीजें समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एल्कीन ऑफ फॉर्मूला C5H10 हैविंग ए ऑप्शन दिया हुआ आपको, टू विनाइलिक कार्बन एटम एंड टू अलाइलिक कार्बन एटम। इतनी जल्दी क्या है, क्या जल्दबाजी है? तुम लोगों को क्वेश्चन देखेंगे समझेंगे, ठीक है, इतनी जल्दबाजी ना करें।
टू विनाइल कार्बन एटम एंड थ्री अलाइलिक कार्बन एटम। अब देखो आपको आपको दिया गया है कि मॉलिक्यूल का फॉर्मूला कुछ ऐसा है, ठीक है, मॉलिक्यूल का फॉर्मूला कुछ ऐसा है, बस आपको स्ट्रक्चर ऐसा ड्रॉ करना है जिसके अंदर क्या आ जाए, टू विनाइलिक कार्बन एटम और टू अलाइलिक, और एक ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है जिसके अंदर क्या आ जाए, टू विनाइलिक कार्बन एटम और थ्री अलाइलिक कार्बन एटम। तो कैसे ड्रॉ करोगे सोचो, देखो टू विनाइलिक कार्बन एटम मतलब डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन क्या होंगे, टू विनाइलिक कार्बन एटम, विनाइलिक का मतलब डबल बॉन्ड तो होगा, डबल बॉन्ड तो कंफर्म है पक्का, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड मैंने बना दिया देखो, ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, विनाइलिक हो गए। अगर मैंने ऐसा कर दिया सी, अभी मैं सी के फॉर्म में लिख रहा हूँ, बाद में एच एच लिख देंगे, यहाँ पर कितने अलाइलिक हो गए, ये वाले हो गए, ये वाले हो गए, क्या ये अलाइलिक है, तो पहला कंडीशन फॉलो हो गया। अब इसमें यहाँ पर क्या आएगा सी एच थ्री, यहाँ पर क्या आएगा सी एच, यहाँ पर सी एच, सी एच टू, सी एच थ्री, तो पहले वाले कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, सी फाइव एच टेन बन गया ना, बात समझ में आया, तो पहले वाला कंपाउंड कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा, ठीक है, इसको हम अलग तरीके से भी सीखेंगे, अभी फिलहाल ऐसे सीखो, ठीक है, इसको मैं अलग तरीके से भी सिखाऊंगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे डील करेंगे, दिमाग कैसे लगाएंगे, वैसे मैं बहुत सारे तरीके बताऊंगा मॉलिक्यूल के फॉर्मूला ड्रॉ करने के, मतलब लॉजिकल मेथड तो आप ही को आना चाहिए, ठीक है। तो विनाइलिक का मतलब, दो विनाइलिक कार्बन एटम का मतलब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ वाले विनाइलिक कार्बन एटम, अगर चार बोलता तो कितने डबल बॉन्ड होते, दो तो होते ना, तो फिर आप समझ में आ गया, क्लियर है। अगला बताओ, दो विनाइलिक चाहिए तो दो डबल बॉन्ड लगा दिया, कितने अलाइलिक, कितने अलाइलिक चाहिए, तीन, तो इसके एडजेसेंट पे तीन, इसके यहाँ पर तीन और इसके यहाँ पर एक, देखो अब ये क्या हो गया अलाइलिक, ये भी क्या हो गया अलाइलिक एडजेसेंट, ये भी हो गया अलाइलिक। अलाइलिक का मतलब क्या करना है, मुझे जस्ट एडजेसेंट कार्बन एटम को, कार्बन एटम को किसके साथ अटैच करना है, विनाइलिक पोजीशन पे, ठीक है, और ये कौन सा हो जाएगा, विनाइलिक, विनाइलिक। अब बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी एच थ्री, सी एच थ्री, सी एच, सी एच थ्री, ये क्वेश्चन अभी वो अधूरा है, यहाँ पर मैंने लिखा है स्ट्रक्चर, तो आप इसका नेमिंग भी लिखो, राइट द नेम ऑफ द एल्कीन, ठीक है, उसी एल्कीन का नाम लिखो जिसके अंदर दो विनाइलिक कार्बन एटम है और दो अलाइलिक कार्बन एटम है विद द फॉर्मूला दिस। अब तुम्हें इसका नाम बताओ क्या होगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करो, पेन टू इन, इसका नाम बोलो आप, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये वो आर एफ पी डी में दो यहीं पर आ रहा है, डबल बॉन्ड पे आर एफ पी डी लगाएंगे तो दो यहाँ पर, यहाँ से जाएंगे तो दो पर आएगा, डबल बॉन्ड पर आर एफ पी डी क्या हो गया, फेल हो गया, अब कहाँ लगाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट पर, जब यहाँ से जाएंगे तो दूसरे नंबर पे आएगा, यहाँ से जाएंगे तो तीसरे नंबर पे आएगा, तो कौन सा सही है, ये वाला, बताओ नाम क्या होगा, टू मिथाइल प्योर टू ई, समझ में आया, अब ये अलाइलिक विनाइलिक, अब डबल बॉन्ड का खेल खत्म, अब स्टार्ट करना है हमको कौन सा, अल्काइन, ठीक है, अब अल्काइन स्टार्ट करो, जल्दी लिखो, अल्काइन स्टार्ट करना है अब हमको, लिखा मत क्या करो, तो मैं धीरे से समझाने के साथ साथ अभी लिखा करो, मैं हमेशा 5-10 मिनट दूंगा ताकि मैं उस क्लास को भी डाउट बताता चलू साथ,
देखो बेटा अगला, यहाँ तक समझ में आ गया, लिख लिया आप लोगों ने? पक्का लिख लिया? श्योर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्वेश्चन लेते हैं। अगला देखो, सॉरी क्वेश्चन की जगह देखो एल्कीन, एल्कीन क्वेश्चन की जगह लिखो बेटा आप लोग एल्कीन, क्या लिखोगे? एल्कीन, फटाफट लिखो। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइन, एल्काइन होगा ना, एल्कीन तो लिख लिया, नेमिंग ऑफ एल्काइन, सॉरी नेमिंग ऑफ एल्काइन, एल्काइन की तुमको आप नेमिंग करनी है, तो नेमिंग ऑफ अल्काइन इसका तरीका क्या होगा? सबसे पहले मैं वही लिखा था ना स्टेप, ठीक है, तो अल्काइन का नेमिंग हम किस तरीके से करेंगे बेटा बताओ, किसी को कोई आइडिया? हाँ अब तुम्हें समझ में आने लग जाएगा, अब तुम्हें याद हो जाना चाहिए, थोड़े थोड़े हाँ सेम पॉइंट्स तो रहेंगे। देखो आगे नेमिंग ऑफ अल्काइन, सबसे पहले देखो स्टेप्स फॉर नोमेनक्लेचर, स्टेप्स फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन, स्टेप वन क्या होगा? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन विच including all double bond or triple bond. Alkyne ऐसा नहीं होता, alkyne अकेला ऐसा नहीं होता जिसके अंदर आपको double bond और triple bond नहीं मिले, आपको double bond भी मिलेगा ना, तो ध्यान रखना alkyne के क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जिसके triple bond ही मिल जाए केवल अकेला, नहीं आपको कैसा मिलेगा जिसके अंदर double bond भी रहेगा, तो ये बात ध्यान रखना कि लिखो डिटरमाइन द पेरेंट कार्बन चेन, मेरा स्टेप क्या होगा? डिसाइड द लॉन्गेस्ट, तो हाँ ठीक है, आप लोगों ने क्या लिखा है? डिसाइड द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन इंक्लूडिंग ऑल डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, बात क्लियर हुआ? बात क्लियर हुआ? अब स्टेप वन में एक और पॉइंट होगा ना कि चाहे मुझे दो लेंथ वाली मिले, दो लेंथ वाली चेन मिले, कितने लेंथ वाली? दो लेंथ वाली, एक में एक के ना ट्रिपल बॉन्ड छूट रहा है, एक में सारे आ रहे लेकिन उसका लेंथ क्या है? कम है, तो कौन सा वाला सेलेक्ट करेंगे? कम वाला, लेंथ से मैटर नहीं करता, तो हाँ अगर सारे के सारे आपको डबल बोर्ड और ट्रिपल बोर्ड उसके अंदर आ गए तो हम उसी को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है, तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? पेरेंट कार्बन चेन में सारे के सारे ट्रिपल बोर्ड और डबल बोर्ड आ जाने बोलो चाहिए, अगर चाहे लेंथ कैसा भी हो डजंट मैटर, समझ में आया? समझ में आया, ये तो हमारा स्टेप वन। अब स्टेप वन फेल कहाँ होगा? ना तूने पढ़ क्या है? हाँ तो बता, तूने ऐसा कैसे सोचा कि एक साइड डबल बॉन्ड रहेगा एक साइड ट्रिपल बॉन्ड रहेगा? अच्छा 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 कहीं कुछ पढ़ा है तो बोल, तू जो बता रहा है ना वो तुम्हारा आर एस पी डी में, वो मैं आर एस पी डी में बताने वाला हूँ, तुम लोगों को बताया होगा कि एल्किन की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, एल्किन के 10th क्लास में हम लोगों को बताया होगा एल्किन की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, एल्किन को ज़्यादा मानना है, मैं तुम्हें वो मैं तुम्हें बताऊँगा, तुम्हें नहीं करना वो, तुम्हें मेहनत नहीं करना, बस नोट्स को याद करना है केवल और केवल, दूसरा काम नहीं है कि नोट्स के अलावा एक पॉइंट आपको नया देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, चाहे एग्जाम में हो चाहे यहाँ हो। अब सुनो यहाँ तक आ गया पहला स्टेप, पहला स्टेप फेल कब होगा?
कोई बॉन्ड छूट रहा हो, ठीक है, तो वही बात है ना, हमको ऐसा सेलेक्ट करना है। लेकिन अगर देखो सुनना, कोई बॉन्ड छूट रहा हो, ठीक है, मैं कोई बॉन्ड छूट रहा हो, सपोज करो कि मेरा ट्रिपल बॉन्ड छूट रहा है लेकिन पेरेंट कार्बन चेन के अंदर डबल बॉन्ड आ रहा है, तो क्या मैं उसको सेलेक्ट करूँगा, हाँ या ना? सुनो ध्यान से, अगर मेरे पास एक ट्रिपल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड है, बात को ध्यान से समझो, मेरे पास एक ट्रिपल बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड है, लेकिन जब मैं पेरेंट कार्बन चेन को सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो पेरेंट कार्बन चेन को सेलेक्ट करते टाइम या तो मेरे पास एक डबल बॉन्ड आ रहा है, एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, या तो मेरे पास दोनों डबल बॉन्ड आ रहे हैं, तो किसको सेलेक्ट करूंगा? हाँ, तो ध्यान से इस चीज का ध्यान रखना, इस चीज का ध्यान रखना, पेरेंट कार्बन चेन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होना मस्ट है, चाहे हमारा डबल बॉन्ड छूट जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, चाहे डबल बॉन्ड छूट जाए, ठीक है। तो स्टेप वन में, स्टेप वन के बाद देखो स्टेप टू स्टेप टू में लिखना प्रायोरिटी ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड इज हाई इन पेरेंट कार्बन चेन, मतलब पेरेंट कार्बन चेन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा, कहीं हो या ना हो पेरेंट कार्बन चेन में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड करना है, ठीक है। अब इसमें कंडीशन लिख लो, तुम लोग कंडीशन लिख लो, कंडीशन मतलब एग्जाम्पल लिख लो, इसी का, इसी स्टेटमेंट का एग्जाम्पल लिख लो, ठीक है। अ कार्बन चेन कंटेनिंग वन सिंगल वन डबल बॉन्ड एंड वन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, और इन अ कंपाउंड ए, तो कंपाउंड का नाम मैंने बोल दिया ए, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम, ये मैंने किसके लिए लिखा रहा हूँ, कंडीशन पेरेंट चेन के लिए, किसके लिए लिखा रहा हूँ, पेरेंट चेन के लिए। और दूसरा क्या है अकार्बन चेन, देखो अगला दूसरा इसी में अकार्बन चेन कंटेन टू डबल बॉन्ड्स, ठीक है। तो अब ये दोनों कंडीशन है एक पेरेंट चेन के लिए, तो किसको प्रायोरिटी ज्यादा देंगे, अ कार्बन चेन कंटेन वन डबल बॉन्ड एंड वन ट्रिपल बॉन्ड, जो मैंने स्टेप टू लिखा है उसका ये एग्जांपल है। स्टेप टू मैंने क्या लिखा है देखो, पढ़ो, हाय, लेकिन कब, इन अ पेरेंट कार्बन चेन। अब देखो किसी मेरे पास एक कंपाउंड में दो कंडीशन बन रही थी, एक या तो मैं पेरेंट कार्बन चेन डबल बॉन्ड वाला सेलेक्ट कर लूं, या तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला सेलेक्ट कर लूं, लेकिन मुझे सेलेक्ट कौन सा करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला, क्योंकि पेरेंट कार्बन चेन में मुझे ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी पड़ती है। अब बात समझ में आ गया, और सारे कंडीशन पहले की तरह ही है, ठीक है। इसमें अब आप लोग कंफ्यूज मत होना, बात क्लियर है पक्का। अगर मुझे एक डबल बॉन्ड मिला, मेरे पास, मैं अब फिर से नया कंडीशन, मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला, कौन सा, मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ए, उसके अंदर एक पेरेंट चेन में एक डबल बॉन्ड सेलेक्ट हो रहा है और उसी कंपाउंड में दूसरे पेरेंट चेन में ट्रिपल बॉन्ड सेलेक्ट हो रहा है, तो कौन सा सेलेक्ट करेंगे? समझ में आ गया आप अच्छे से? अब देखो इसी में एक और एग्जांपल,
लोगों को सिलेक्शन में फ़ायदा मिलेगा ये इससे। अब देखो अगला इसी में दूसरा एग्जांपल देखो, अ कार्बन चेन कंटेनिंग ओनली वन डबल बॉन्ड, ओनली वन डबल बॉन्ड इन अ ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, ठीक है एग्जांपल दूसरा है बेटा, अ कार्बन चेन कंटेन ओनली वन डबल बॉन्ड, ओनली वन डबल बॉन्ड देखो, ओनली वन डबल बॉन्ड इन अ कंपाउंड ए, या फिर ऐसा मिले कौन सा, अ कार्बन चेन कंटेन ओनली वन ट्रिपल बॉन्ड, अ कार्बन चेन कंटेन देखो, अ कार्बन चेन कंटेन ओनली वन ट्रिपल बॉन्ड, ओनली वन ट्रिपल बॉन्ड इन अ कंपाउंड ए। अब बताओ दोनों में से कौन सा सही रहेगा, सेकंड वाला, क्यों, क्योंकि मुझे कार्बन चेन ऐसा सेलेक्ट करना है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो। बात समझ में आ गई, ये सिलेक्शन का मेथड हो गया, अब तुम्हें आ जाएगा। अब अगला नेक्स्ट बेटा, तबला मत बजा, मेट्रो के बाहर बजाना, वहाँ फायदा भी मिलेगा, यहाँ कुछ फायदा नहीं मिलेगा बेटा, बात को ध्यान से समझ बेटा, ऐसे नॉन सेंस बिहेव ना, समझ में आया तो बहुत बुरा हाल कर। अगला नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें तुम्हें आ गया प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करना खत्म। अब नंबरिंग, अगला स्टेप क्या होता है देखो, नंबरिंग ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, नंबरिंग ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, अगला स्टेप क्या है, नंबरिंग ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। अब देखो पेरेंट कार्बन चेन की नंबरिंग हम किस तरीके से करेंगे बच्चा, लोगों बताओ बताओ, आरएमपीडी। अब सुनो ध्यान से, फर्स्ट अप्लाई आरएमपीडी ऑन डबल बॉन्ड, करना नहीं मैं सिखाऊंगा ठीक है, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है लिख लो, अप्लाई आरएफपीडी ऑन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड सब साइमल्टेनियसली, देखो अप्लाई आरएफपीडी ऑन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड साइमल्टेनियसली, मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, बोलो बच्चा लोगों क्या बोलना चाह रहा हूं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे आरएफपीडी मुझे एक ही टाइम में लगाना है। अब जब ये वाला कंडीशन फेल होता है देन क्या होता है, अप्लाई आरएफपीडी और डबल बॉन्ड, फिर किस पर लगाना है, डबल बॉन्ड पर। अब अगर डबल बॉन्ड पे फेल होता है आरएफपीडी तो नहीं इतनी जल्दी क्या है, अप्लाई आरएफपीडी और ट्रिपल बॉन्ड, बात क्लियर है, अगर आप ट्रिपल बॉन्ड पर फेल होगा तो क्या होगा बोलो, ठीक है तो क्या होगा बेटा बोलो, यहां पर अप्लाई आरएफपीडी ऑन सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है अगर सब्स्टिट्यूएंट पे फेल हो गया तो क्या करेंगे, अल्फाबेटिकली ऑर्डर, ठीक है फिर कौन सा ऑर्डर, क्लियर हुआ कर सकते, देखो कुछ नहीं हुआ, डबल बॉन्ड के ऊपर वाला पड़ा है आरएफपीडी का तो वही रूल फॉलो हो रहा है ना, ये फेल हुआ तो ये होगा, ये फेल हुआ तो ये होगा, ये फेल हुआ तो ये होगा। अब ये तो था आरएफपीडी का, ठीक है ये समझ में आया पॉइंट टू नंबरिंग। अब थर्ड पॉइंट लिखो, नेमिंग ऑफ नेमिंग ऑफ अल्काइन। अब देखो नेमिंग हम किस तरीके से करेंगे बच्चा लोगों, समझो ध्यान से, बड़ा ही इजी बड़ा ही सिंपल है। अब देखो नेमिंग करने का मैं बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा तुम लोगों को, ठीक है। अब देखो नेमिंग में यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से, टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है, और यहां पर मैं बोल रहा हूं टोटल नंबर ऑफ
टोटल नंबर ऑफ ट्रिपल बोन और यहां पर ने। अब समझना, मैं डबल बोन को एक्स वाई जेड के टर्म में लिखूंगा, ठीक है। डबल बोन के लिए लोकेट नंबर में क्या लिखने वाला हूं, एक्स वाई जेड, ठीक है, डबल बोन के लिए, और ट्रिपल बोन के लिए ए बी सी लिखूंगा, इससे घबराना मत, ठीक है, बात क्लियर है। अगर मैंने मान लो कि यहां पर जीरो डबल बोन्ड है और अगर एक ट्रिपल बोन्ड हुआ तो नेम क्या होगा, बेस नेम क्या होगा, बोलो, अल्काइन, अल्काइन होगा, ट्रिपल बोन्ड होगा तो वाई है नहीं, ठीक है। अगर मैंने बोला ये जीरो है ये टू है तो क्या हो जाएगा, अल्का ए बी डाई आई, समझ में आ गई है, डाई हो गया, ए ए बी नहीं लिखेंगे ना, ट्रिपल बॉन्ड के लिए ए बी का यूज करो, इसका मतलब ए की है ए, इसका मतलब ए बी दोनों काम में आ गए। अब यहां पर ये डबल बॉन्ड जीरो है, ट्रिपल बॉन्ड क्या है, तीन यूज कर लेता हूं, क्या आ जाएगा, ए बी सी, बोलो क्या आ जाएगा, ए बी सी ट्राई, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अगर यहां पर एक मैंने डबल बोन्ड लगाया, एक नहीं लगाओ अब तो, अब तो तुम्हें आ जाएगा, अब यहां पर दो डबल बोन्ड लगा दिया और दो ट्रिपल बोन्ड लगा दिया, तो दो डबल बोन्ड का मतलब एक्स वाई और दो ट्रिपल बोन्ड का मतलब ए बी, तो ना, तो अब हम नेमिंग कैसे करेंगे, बोलो, अल्का एक्स वाई डाई ए, और क्या करेंगे, बोलो, ए बी डाई आई। अब समझ में आया मैंने ये क्यों लिखवाया, डबल बोन्ड का इंक्लूड करके तुम लोग अपना दिमाग लगाते डबल बोन्ड वाला पीछे लिख देते, समझ में आया बात, समझ में आया बात, तुम लोग अपना दिमाग, बेटा कहाँ ध्यान है, यहाँ ध्यान रख, यहाँ ध्यान रख, ये ज्यादा काम आएगा, पेज पलटना कम काम आएगा, समझ में आया बेटा, कुछ बोलने के लिए मौका मत दो मुझे, बहुत बुरा बोलता हूँ इसीलिए, ठीक है, ध्यान रखना, अभी तुम नए नए हो, मुझे भी डर लगता है कि क्या पता थोड़ा भाग में ऐसा हो तो मैं किसको पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब बताओ अगला क्या हो जाएगा, अल्का एक्स वाई डाई ई ए बी सी डाई आई, समझ में आ गया, समझ में आ गया। वीडियो लेक्चर में तो तुम्हें तो आराम से, हाँ सर तो लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, तुम्हें तो पता क्या पड़ता था, अरे चल रहा है काम, वीडियो लेक्चर कौन इजीली देख सकता था, केमिस्ट्री के तो छोटे ही थे, केमिस्ट्री के तो छोटे छोटे आते थे, कभी छोटे तो एक, कभी बहुत बड़ा भी आ गया, किसी ने तो पता ही नहीं हुआ कौन सा बड़ा लेक्चर आया, चैप्टर भी याद है कि नहीं याद है, कि मैंने ऑनलाइन के टाइम कौन कौन से लेक्चर, कौन कौन से चैप्टर करा दिए, किसी को याद है, चलो ठीक है, चैप्टर याद है, चैप्टर के अंदर कौन कौन से पॉइंट है वो सब याद है, तभी याद थे, अभी रिवीजन करना पड़ता है बेटा, एक बार जो बच्चा अच्छे से पढ़ लेता है ना, ये बात तो मैं मानता हूँ कि उसको हर टॉपिक का नॉलेज हो जाता है कि इसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे, इसमें कौन कौन से होंगे, इसमें कौन कौन से होंगे, इसमें कौन कौन से होंगे, लेकिन तुमने ईमानदारी से भी पढ़ा, उस टाइम कौन मुझे ये बताओ, सीधा लेक्चर देखता था और लिखता था, फिर उसके बाद पढ़ने का मन ही नहीं करता था, क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तुम छोटे बड़े बच्चे थोड़ी ना हो, तुम तो इंटेलिजेंट हो, तुम्हें पढ़ने की थोड़ी ना जरूरत है, टीचर को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें टीचर की थोड़ी ना है, क्यों सही बोला गलत बोल रहा, सही बोल रहा है गलत बोल रहा, बोलो, हमको तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें हमारी थोड़ी ना, सही बोला, चलो चलो जहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से, पक्का श्योर, हाँ तो लिखो, देखो इसको लिख लो बस, इस पॉइंट को बराबर लिख लो,
तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्या? रूल तो बता दिए, रूल को बताते ही क्या स्टार्ट करेंगे हम तो क्वेश्चन। रूल पता है तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। अच्छे अच्छे क्वेश्चन करो, मन लगा के करो, तो करो करो जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट स्पीड से। अभी होता अगर ये थ्री होगा, अगर ये थ्री होगा, ये अगर थ्री होगा तो क्या होगा? नाम अल्फा एक्स वाई जेड ट्राई ए। अरे वाह सुंदर बच्चे। देखो चलो फटाफट फास्ट 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 फास्ट। अब तो क्या इसमें भी टाइप ऑफ हाइड्रोजन होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? होगा। इसका भी सब्स्टिट्यूट का नाम भी निर्णय भी नाम देखेंगे। हाँ देखो एल्किन का एल्किनाइल था, वो एल्काइन का क्या लिखेंगे? हाँ एल्काइन। देखो मैं अभी धीरे धीरे सारी चीजें बता रहा हूँ ना, ये काम आएगा कहाँ आगे, आगे तुम्हें फटाफट फटाफट चीजें समझ में आएगी। और आज तुम्हारा हाइड्रोकार्बन खत्म होगा, ठीक है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दो पार्ट में डिवाइडेड है ना, हाइड्रोकार्बन ही हो गया और अगला अगला आएगा नहीं भी क्या, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप आएगा, ठीक है? और फंक्शनल ग्रुप को तुम्हें पता ही नहीं पड़ेगा तुम्हें कब खत्म होगा। बहुत आसान, बहुत आसानी से बताऊंगा एकदम, फॉर्मूला बताऊंगा उसमें आर एस पीढ़ी बाबा ने पूरी सोचने। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखो इधर एक तो एग्जाम्पल समझते हैं, देन आफ्टर तुम लोग खुद से करोगे, पक्का? चलो अगला एग्जाम्पल चलो स्टार्ट करो लिखना। हम करेंगे धीरे छोटे से एग्जाम्पल से स्टार्ट और अंत किस पर करेंगे? बड़े एग्जाम्पल। क्या मुझे एग्जाम्पल कराना चाहिए? हाँ या ना? तो थियरी सफिशिएंट है तुम लोगों को? मैं ना लिख भी दूंगा कमेंट लेटर का, अभी नहीं थोड़े दिनों बाद, ठीक है? उसको तुम्हें अटेम्प्ट करना पड़ेगा घर से, डेली 10-10 क्वेश्चन या 20-20 क्वेश्चन करना। नहीं जैसे कितना टाइम लगता है एक क्वेश्चन? एक मिनट लगता है अगर करेंट कार्बन चेंज होना पड़ जाए तो, एक मिनट में सॉल्व करना है ये। तो फिर कितने टाइम को होगा? 20 क्वेश्चन 20 मिनट, तो 20 मिनट से ज़्यादा टाइम डीपी भी सॉल्व करने में केमिस्ट्री में कभी नहीं देगा। मैं वही दूंगा जितना तुम्हें उतने टाइम में हो जाना चाहिए। अगर जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है वो क्वेश्चन रिमूव करना, ठीक है? अब देखो इधर यहाँ पर अगला थर्ड क्वेश्चन, सी एच डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सी सी एच टू सी एच थ्री। फोर्थ वन देखो बेटा, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ठीक है? और इस वाले क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। देखो चार कार्बन का ये, फिर भी मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करा है, ये कुछ नया कंसेप्ट सिखा के जाएगा, इसीलिए बोला, ठीक है? ये हमको क्या सिखा के जाएगा? नया कंसेप्ट, इसीलिए मैंने इसको बोला, ठीक है? अगला बोलो, फिफ्थ को बहुत आसान है, फिफ्थ भी लिखी लो। कौन से ऐसे छोटे को कुछ नाम सुना है? अब देखो यार समझना, अब देखो समझो, ये कुछ सिंपल क्वेश्चन थे, इसको पहले डील करना सीखते हैं। सबसे पहला काम क्या है हमारा? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, तो सेलेक्ट करो। सेलेक्ट किया, अब बोलो बच्चा क्या होगा? 1 2 3 4 नंबरिंग करना है, नंबरिंग करना है तो नंबरिंग करने के लिए क्या करेंगे? आरएसपीडी। अब देखो यहाँ पर देखो, पहला आरएसपीडी में पहली लाइन में क्या लिखाई थी? अप्लाई द आरएफपीडी ऑन डबल बॉन्ड एंड
ट्रिपल बॉन्ड साइमल्टेनियसली, क्या आपका डबल बॉन्ड है इसके अंदर? तो ये वाला लाइन है। दूसरा क्या है? अप्लाई आरएचपीडी ऑन डबल बॉन्ड, क्या डबल बॉन्ड है? उसके बाद अप्लाई आरएचपीडी ऑन ट्रिपल बॉन्ड है ना, इस तरफ जाएंगे तो कितने नंबर पे आएगा, इस तरफ जाएंगे तो कितने नंबर पे आएगा? तो यहाँ पर आरएचपीडी फेल होता है, तो आरएचपीडी फेल हुआ तो उसके बाद कौन सा लाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट लगाएंगे। सब्स्टिट्यूएंट है तो इसे ही नाम कर देंगे, यहाँ से भी दो, यहाँ से भी दो, कहीं से भी कर सकते हो, ठीक है? कहीं से भी हम इसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, कहीं से भी नंबरिंग कर दो, एक दो तीन चार, बोलो क्या नाम होगा? एक ट्रिपल बॉन्ड है, कितने कार्बन की चेन है? चार कार्बन की, तो प्योर टू आई वाई यानी आई। नेक्स्ट वन, अब क्या करेंगे? सबसे पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, करो स्टार्ट। ये वाला होगा, आप क्या करेंगे? फॉर नंबरिंग हमको क्या क्या करना पड़ेगा? आर एस पी डी अप्लाई आर एस पी डी और, ठीक है? अब तुम्हें कहीं बता दिया जाएगा कि ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देके कर देना, ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देके कर देना, तो यही तुम्हारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत। डबल बॉन्ड को नहीं, आर एस पी डी लगाएंगे ना, मैं तो प्रायोरिटी ऑर्डर को ही मैंने खत्म कर दिया, याद ही नहीं करना। इधर जाएंगे तो दोनों पे साथ साथ लगाना है ना, तो दोनों को देखना है। बोलो यहाँ पर टू और डबल बॉन्ड किस पर आना है? साथ साथ लगाना है, साइमल्टेनियसली दोनों को। हाँ बोलो क्या होगा? फोर। और यहाँ से जाएंगे तो वन एंड थ्री, विच वन इज करेक्ट नंबरिंग? वन टू थ्री फोर फाइव, देन समझ में आ गया? कंफर्म स्ट्रॉन्ग हो गया कंसेप्ट? नेक्स्ट वन, हाँ बताओ नंबर ए। सबसे पहले इस पे बेटा ध्यान इधर उधर मत करो, इधर पता है कितने कार्बन चेन है, कितने कार्बन की चेन है? दिस इज अ पैरेंट कार्बन चेन, 100% श्योर? नाउ नंबर ए कहां से करेंगे? ए की है तो यहीं से बैठना पड़ेगा, सिंपल है, ये सिंपल है, तुमको जल्दी पता पड़ जाएगा। नाउ आप बताओ नाम क्या होगा? प्योर सबसे पहले क्या करेंगे नंबरिंग के लिए? आर एस पी डी अप्लाई आर एस पी डी और डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड अप्लाई करो आर एस पी डी। यहाँ से चलेंगे तो वन एंड थ्री, यहाँ से चलेंगे तो मैंने क्या किया अप्लाई इस पॉइंट पर मैंने क्या किया RFPD अप्लाई किया साइमल्टेनियसली, मतलब अप्लाई RFPD और डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड साइमल्टेनियसली, तो यहां पर दोनों सेम आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? बोलो नेक्स्ट स्टेप क्या है? अप्लाई RFPD और अगर मैं यहां से नंबरिंग तक मतलब डबल बॉन्ड कितने पे आएगा? 3। अगर मैं यहां से नंबरिंग तक मतलब कितने पे आएगा? 5। तो यहां से नंबरिंग करते अब समझ में आया, ये कंडीशन फंस जाता है। अब बताओ क्या आएगा नाम? बोलो इसका प्योर वन ई थ्री आई। समझ में आ गया सबसे? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, ये बात तो आप सीधा बता दो, ये पेरेंट कार्बन चेन है, वन टू थ्री, बताओ क्या नाम होगा? प्रॉप वन आई, इसको प्रोपाइल में बोल देते हैं, ठीक है? वन का मतलब क्या होता है? मेरे कल बताते ना वन आई, तो सीधा इनाइल बोल दिया था मैंने, वन हटा के सीधा बोल कर सकते, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप बताओ इसमें सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन, सेलेक्ट किया मैंने, अब बताओ, आप बताओ यहाँ पर सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन, अब जल्दी से बताओ। उसके बाद आर एस पी डी अप्लाई आर एस पी डी और डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड साइमल्टेनियसली, अगर मैं यहाँ से यहाँ मूवमेंट करूंगा तो आप बताओ वन एंड कौन से पोजिशन पर आ रहा है? थ्री पर आ रहा है पक्का? बेटा आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा,
नहीं आ रहा है, पक्का आ रहा है, नहीं आ रहा। यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तो टू और फोर। अब देखो विच वन इज करेक्ट, वन टू थ्री फोर फाइव। नेम बोलो, आई किसी ने पेन थ्री ई वन आई, समझ पाया? ये किसको डाउट है यहाँ तक? क्लियर हुआ कंसेप्ट? अच्छे से, अच्छे से क्लियर हुआ? ठीक है, अभी हाँ लिखो तुम लोग।
मन की आंखों से देखेगा तो सब कुछ दिखता है बेटा, समझ में आया? अब देखो तो गोट है ना, दिखते तुझको नहीं ना, गोट दिखते हैं नहीं ना, मान लेता है ना, कैसे मान लो, सपोज दैट जब इतना सब कुछ मानते हो तो इसको ही मान लो कैसे, क्यों सही बोला गलत बोला बोलो, वो तो गलत बोला सर आपने, ऐसे कैसे हो सकता है, हो सकता है ऐसा नहीं, क्यों नहीं हो सकता, मानो कि तुम सबको सब कुछ आता है तो तुम क्या करोगे, अरे पहले सुनो ना, मानो कि तुम लोगों को सब कुछ आता है तो तुम सबसे पहला स्टेप क्या होगा, नहीं स्कूल नहीं आओगे, पढ़ने के लिए आओगे, यही नहीं था तो छोड़ो तुम पढ़ने के लिए आओगे, समझ में आया, तुम अपना दिमाग लगा के सोचा करो कि मैं रहूंगा तो क्या होगा, वैसे ही ये कैसा होगा, वैसे ये केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी भावनाओं को समझना पड़ता है, समझोगे तो बहुत आगे जाओगे, बताओ बताओ, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड तो होना ही चाहिए ना, हाँ या ना, तो बोलो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, फर्स्ट नंबरिंग का रूल बोलो, अप्लाई आरएसपीडी ऑन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड साइमल्टेनियसली, सेकंड रूल इज व्हाट, आरएसपीडी ऑन डबल बॉन्ड, अब ना तो यहां पर ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड नहीं है तो फेल, यहां पर डबल बॉन्ड भी नहीं है फेल, अगला रूल क्या है, अप्लाई आरएसपीडी ऑन ट्रिपल बॉन्ड, तो 1 2 3 4 यहां से जाएंगे 1 पर ट्रिपल बॉन्ड, यहां से जाएंगे 3 पर ट्रिपल बॉन्ड, व्हिच वन इज करेक्ट, वन ये आपका क्यों करेक्ट हुआ, नाम बोलो फटाफट स्पीड से, 3 मिथाइल, अरे वाह 3 मिथाइल, थोड़ी देर के लिए आवाज आती है बेटा, आपको दूसरी बार चुप हो जाए, प्योर वन आई, आया कि नहीं आया नाम, आया कि नहीं आया नाम, इतना अभी इससे भी टफ करेंगे, ये तो तुम्हारा एंट्री लेवल है, खेलते हो ना गेम, तुम लोग खेलते हो ना गेम, एक लेवल के बाद अगला लेवल टफ आता है, एक लेवल के बाद अगला लेवल टफ आता है, और कुछ देर बाद इतना टफ होता है कि गेम खेलना ही छोड़ देते हो, यही होता है, ऐसा ही होता है, अगला मैं तो ऐसा ही करता, फिर मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, मुझे पता है नहीं होगा फालतू इसमें दिमाग लगाने से कोई मतलब नहीं है, अब जल्दी बताओ, सबसे पहले सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन इंक्लूडिंग ऑल डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, तो कौन सा कार्बन चेन होगा बोलो, अब क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप बोलो, नंबरिंग कहां से करोगे, आरएफपीडी और साइमल्टेनियसली, बताओ इस तरफ से करेंगे तो 1 3 1 2 3 4 5 6 6, और यहां से नंबरिंग करेंगे तो बोलो 1 4 कौन जीता दोनों में से, ये वाला क्यों जीता, क्योंकि 1 1 तो सिमिलर आ गया खत्म, पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या हुआ 3 और 4, 3 वाला छोटा है इसलिए, ये अब बताओ नाम क्या होगा, नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, हो गया आप बताओ, 5 पे कौन सा ग्रुप है, मिथाइल, ये तो तुम्हें आप समझ में आ गया, देखते बता देते हो, यार आदत हो गई आपस, 5 मिथाइल पेंट, पेंट या हेप्टा, हेप्टा बोलो, 1 6 3 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
लग रहा होगा। अब अगर टफ लग रहा है तो जिद्द पर पानी में डूब मरो। समझ में आया? अरे बेटा तुम लोगों को इतने अच्छे से बता दिया, हर लाइन को पांच तो कम से कम डेली में कितना रिपीट करता हूँ बेटा,
एक लाइन को हर एग्जांपल में रिपीट करता हूँ, फिर भी तुम्हें याद नहीं होगा, याद नहीं होगा तो फिर तो मुझे ही काट दो इससे, तुम पढ़ रहे हो बेटा, मेरी मेहनत खाली नहीं जानी चाहिए, ठीक है ठीक है। अब बताओ, आपने पढ़ा था ना केस वन, कुछ वही दिख रहा है? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, सेलेक्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, लेकिन आपको कौन सा सेलेक्ट करना? ये सात है इसलिए नहीं, इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए, 7 है इसके लिए सेलेक्ट नहीं किया मैंने, जो सेलेक्ट किया क्योंकि इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों आ गए, ठीक है इसलिए सेलेक्ट किया। बताओ अब नाम क्या होगा, अब बताओ पहले नहीं आ रहा है इसमें तो, स्ट्रिंग में तो आ रहा है, अब चला जाता है, कितना आता है, चलो हटाओ ये इधर लिख लेते हैं, लाइट नहीं है दुनिया में कुछ भी हो रहा है, लाइट नहीं करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते बेटा, जल्दी फास्ट, 9 था ना, CH3CH CH 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 C
करेंगे ये वाला, क्यों सेलेक्ट करेंगे इसका रीजन कौन बताएगा? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इसलिए सेलेक्ट कर रहे हैं ना कि इसलिए कि लोग मतलब कार्बन ज्यादा है इसलिए सेलेक्ट नहीं कर रहे, क्यों सेलेक्ट कर रहे? क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड भी आ रहा है और ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है, बात क्लियर है? ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। नाउ अब देखो नंबरिंग कैसे करेंगे, अप्लाई आरएफपीडी और डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड साइमल्टेनियसली। जब मैं यहां से यहां मूवमेंट करूंगा तो क्या होगा? 2 पे आएगा और 6 पर आएगा। जब मैं यहां से यहां मूवमेंट करूंगा तो किस पर आएगा? देखो 1 पर आ रहा है, 2, 3, 4, 5 1 और 5 पर कौन इन दोनों में से जीता? 1.5 जीत गया, तो 1.5 इज करेक्ट। नाउ नंबरिंग कैसे करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नाउ अब देखो 4 पर कौन सा सब्स्टिट्यूएंट अब आ गया? अब आ गया? उतने बड़े बड़े नाम भी क्यों लिखा था, समझ में आया? वो तो फिर भी नहीं आते, फिर भी मैंने लिखा है। बच्चों जब भी सब्स्टिट्यूएंट अगर ऐसे भयानक भयानक आ गए तो हम डरेंगे नहीं, हम लड़ते रहेंगे। तो क्या आ जाएगा नाम बोलो जल्दी इसका? और किसको नाम अच्छे से समझ में आ गया? क्लियर हुआ ये ज्यादा तो क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग करना चाहते हो कि मैं ही करा दूं? आप लोग करना चाहते हो कि मैं ही करा दूं? पक्का श्योर? चलो 10 क्वेश्चन तो आपका होमवर्क है, होमवर्क में यहीं पर बैठा है, ठीक है? ये क्वेश्चन आपको यहीं पर करना है, फिर कल हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और आगे की ओर मूव करेंगे, ठीक है? पिछला रिवाइज करेंगे और आगे की ओर मूव करेंगे। पिछला रिवाइज का मतलब ऐसा नहीं कि 1 घंटे में रिवीजन कराऊंगा, शुरुआत के 15 मिनट में रिवीजन कराऊंगा, ठीक है? चलो 10th क्वेश्चन ये करना है आपको, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। चलो कितने बड़े बड़े हो गए, नॉमेनक्लेचर हो गए ना बड़े बड़े, अब छोटे छोटे हैं, अब तो सिंपल है, बड़े बड़े हैं। जितने बड़े उतने आसान होते हैं बेटा, तुम लोग बैठ जाते हो फालतू। 2 क्वेश्चन तुमको दे रहा हूँ मैं, उसको करना। ये
अब देखो करो बेटा इसको, इसको सोल्व करके मुझे बताना, अभी आ रहा हूँ मैं, ठीक है? इसको सोल्व करो, ठीक है।
अगला बताओ। फाइव इथिनाइल, सिक्स इथाइल। ऐसी गलतियां मत करना, ठीक है? तुम्हें आ गया अब तो अच्छे से। तो अभी 5 मिनट है, तो 5 मिनट है, तो एक नया टॉपिक कर लेते हैं। होमवर्क के लिए लिख लो एक क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिख लो आप लोग बच्चा, ठीक है? होमवर्क के लिए क्या लिखोगे? क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखो होमवर्क कल करके लेके आना है बच्चा, ठीक है? ये तुम्हारा होमवर्क हो गया, ठीक है? चलो अब अगला लिखो, नेमिंग ऑफ नेमिंग लिखने की वजह है, हाँ नेमिंग ऑफ लिखो, नेमिंग ऑफ अल्कनाइन। पहले क्या लिखा था? अल्काइन। फिर क्या लिखा था? अल्कीनाइन। फिर क्या लिखा? अल्काइनाइन, ठीक है? अब देखो, अल्काइन से जब मैंने एक हाइड्रोजन को हटाया होगा तो क्या बना होगा? अल्काइनाइन। ये होता होगा बेटा, ये अल्काइन ग्रुप से अगर मैंने ये वाला क्या बनेगा बेटा? ग्रुप। और इसी को हम क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। ये हमारा क्या होगा? अब तो तुम्हें आ गया होगा समझ में क्या चल रहा है, वाई एल कब लगता है, रियल नेम कब आता है, ठीक है? चलो तो इसमें पहला क्वेश्चन लिखो, फाइंड द टाइप ऑफ हाइड्रोजन इन फॉलोइंग एल्कीन। Number of alkyne. Which is formed by following alkyne। ये दोनों तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है, क्वेश्चन आप लोगों से दोनों तरीके से पूछ सकता है, इसलिए मुझे दोनों तरीके आने चाहिए, दोनों क्वेश्चन का मीनिंग मुझे ज्यादा अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर क्वेश्चन का मीनिंग ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा तो सौ लोगों का मार्क्स आ जाएगा, ठीक है? अब समझना बेटा, यहाँ पर बड़ा ही इजी कंसेप्ट है, बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है? बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही इजी तुम लोगों का यहाँ पर कंसेप्ट है, तो उस चीज़ों को ध्यान से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, इजी से। चलो एक बार स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन नंबर 1, मैंने बनाया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CCH3, और यहाँ बनाया मैंने 2, ठीक है? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब बताओ इसमें टाइप ऑफ हाइड्रोजन कितने, इसमें कितने? फर्स्ट वाले में कितने टाइप के हाइड्रोजन है? दो टाइप के। वेरी गुड, कौन कौन से? ये हो गया टाइप 1 T1, और ये क्या क्या टाइप 2। क्या हाइड्रोजन है वो? हाइड्रोजन है? नहीं है। यहाँ पर भी ये भी आपका क्या होगा? सिमिलरिटी है ना, गलती समझ में आई? इसमें बताओ, This is a type 1, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है इसलिए ये नहीं है। अगला बॉन्डिंग देखो, this is a type, क्लियर हुआ? अब इसको क्रॉस चेक कैसे करेंगे? उस टाइप से हाइड्रोजन को बाहर निकालो, ठीक है? ये भी बताओ, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया? समझ में आया टाइप निकालना? अब यहाँ ये क्वेश्चन लिखा है उसी के नीचे लिखो, उसी के नीचे लिखो, पहले क्वेश्चन को उसी के नीचे लिखो, उसी के नीचे लिखो आप, ठीक है? नेमिंग ऑफ अल्काइन नाइन,
नेमिंग ऑफ अल्कनाइल। अब इसका नेमिंग हम कैसे करेंगे बेटा, आप लोग जानते हो, क्या जानते हो, जो कार्बन, सुनना, अब इसमें ही वही चीज है, जो कार्बन आपका पेरेंट कार्बन चेन से अटैच होगा, पेरेंट कार्बन चेन से अटैच होगा वहीं से नंबरिंग करेंगे। तो एज एग्जांपल मैंने ये बोल दिया, देखो CH3 जहां से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, निकाल दिया। अब पेरेंट कार्बन चेन से कौन सा वाला अटैच है, सब्स्टिट्यूट का नाम ऐसे लिखते हैं, तो नंबरिंग कहां से करेंगे, ना डबल बॉन्ड देखने का ट्रिपल बॉन्ड देखने का, 1 2 3 4, आप बताओ नाम क्या होगा, प्योर 2 I 1 I, तो क्या हो जाएगा, 2-butanyl, क्या हो जाएगा नाम, 2-butanyl, बात क्लियर है, ये इसका नाम होगा। अब देखो यहां पर दो टाइप के हाइड्रोजन है, एक में कहां से हटा सकता हूं, इस पोजीशन से हटाया तो क्या हो जाएगा CH, ठीक है, और मैंने एक कोना से हटाया, इस पोजीशन से हटाया तो क्या हो जाएगा बेटा, ऐसा हो जाएगा, क्लियर है, ऐसा आपका हो जाएगा काम। आप बताओ इसमें कैसे करेंगे नंबरिंग, सब्स्टिट्यूएंट में कैसे करते हैं, जहां से पेरेंट कार्बन चेन अटैच होता है वहीं से करते हैं, 1 2 3, आप बोलो नाम क्या होगा, Rho 2 I 1 I, अब समझ में आ गया, इसका नेमिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 बोलो, Rho 1 I 1 I, समझ में आ गया। तो इसमें दोनों का नाम अलग अलग आ रहा है, दोनों का नाम, बेटा बेटा स्पेलिंग पे मत जाना, ठीक है, स्पेलिंग से नाम अलग अलग नहीं होता, किससे होता है, नंबर से होगा ना, या तो नंबर से होगा या तो कोई फंक्शन, ठीक है, या तो नंबर ऑफ कार्बन से होगा, तो नंबर अलग अलग हो जाएंगे, अलग हो यहाँ पर, ये नंबर की वजह से अलग अलग हो गया, तो यहाँ पर कितने टाइप के, नाम अलग है तो कितने कितने टाइप के होंगे बेटा, 2 टाइप के, यहाँ पर दोनों कंडीशन में निकाल सकते हो आप नाम, इस कंडीशन में निकालो क्या आएगा नाम, जहां से हाइड्रोजन हटा जहां से लाइन आएगी, 1 2 3 4, ब्यूट 2 I 1 I, ब्यूट 2 I 1 I, ये बात समझ में आया, सब्स्टिट्यूएंट का नाम। अब हमारा लास्ट टॉपिक कल बचा है कि इसका सब्स्टिट्यूएंट का नाम, फिर हम कुछ नोमे, कुछ हम कॉमन नेमिंग करेंगे, कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे, देन आफ्टर लास्ट हाफ एन आवर में मिलकर फंक्शनल ग्रुप के बारे में बहुत कुछ बताऊंगा, ठीक है, समझ में आ गया पूरा, श्योर, कल पढ़ के आपके कल, चलो वेरी गुड, लिख दो इसको।